जब किसी को ये विचार आया तो कई बार क्या होते हैं, हमने देखे हमारे भाई होते बिजी होते, बहन जी अच्छा कल गुरुवार है ना, अच्छा कल मेरी बारी है ना, ये लो पकड़ो भोग लगा देना मेरा। जैसे कुछ काम उतार रही है, जैसे सरके से कोई बोझ उतार के फेंक दिया। बहन जी ने कहा भाई कल गुरुवार है आ तो जाना, तुम्हारी ओर से ऑफर होगा भगवान जी को। बहन जी कल तो मरने की फुर्सत नहीं, तुझे इतने काम निपटाने हैं। ठीक है भाई कोई बात नहीं। बहन जी दोपहर के टाइम लेट करके फोन करती है, भाई जी जाते जाते वो खा तो जाना। अरे बहन जी देर हो जाएगी नहीं आ सकता, छोड़ो ना। भावना है कहीं दिखाई दे रही है ऐसे की जब थाली ऊपर पहुंचती है तो भगवान भी परेशान से कहते बच्चे तो याद प्यार दे देना, बस खत्म मामला। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा। अब एक माता जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बेचारी झोपड़ी में रहती है, मेहनत मजदूरी करती है, एक एक रुपया बचाती है, बुधवार की शाम मार्केट को जाती है, एक एक फल चुन चुन के लेकर आती है, छोटा सा बाबा के लिए फूलों का हार लाती है, बूढ़ी कांपते हुए हाथों से बहन जी को बोलती है मेरे तिल फूल भगवान की थाली में समर्पित कर देना मुझ गरीब बच्ची का। बहन जी बड़ी भावना से हाँ माता जी क्यों नहीं। जब वो थाली ऊपर पहुंचती है तो ऊपर वाला भी अपना सिंहासन छोड़ता है, 10 कदम आगे बढ़ता है, सर झुकाता है, दोनों हाथ फैलाता है और वो भोग स्वीकार करता है। क्योंकि भूखा केवल भावनाओं का है, वो भूखा है, वो उसे केवल